दोस्तों मैं आपको अर्थ के बारे में आज कुछ टोटल 39 पॉइंट्स बता दूंगा, तो बहुत ही बढ़िया होंगे। पृथ्वी के 40% हिस्से में दुनिया के सिर्फ 6 देश है। पृथ्वी के सारे मनुष्य 1 वर्ग किलोमीटर के घन में समा सकते। यदि हम 1 वर्ग मीटर में 1 व्यक्ति को खड़ा कर दे तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख व्यक्ति खड़े हो सकते। चीन का वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि स्पेस से देखने पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी दिखाई नहीं देता। मतलब अगर स्पेस से देखा जाए तो चाइना वॉल भी दिख एक्सटेंड, मतलब बहुत ही पोल्यूटेड हो गया चाइना। पृथ्वी के स्लो रोटेशन की वजह से 2015 1 सेकंड लंबा हो। अगर मनुष्य के बिना किसी सुरक्षा उपाय के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वो केवल और केवल सिर्फ 2 मिनट तक ही जीवित रहे। पृथ्वी पर एक बार सबसे विशाल उल्कापिंड गिरा था, इसका नाम होगा मीटियोराइट रखा गया था। पृथ्वी के केंद्र में इतना सोना है जो 1.5 फीट की गहराई तक इसकी पूरी सतह को ढक सकता। पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा फिर। 12 मील 19 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशराइज्ड सूट पहनना जरूरी होता है वरना मौत हो सकती। पृथ्वी पर 1 सेकंड में 100 बार और हर दिन 80.6 लाख बार आकाशीय बिजली गिरती है। धरती पर ताप का स्रोत केवल सूर्य नहीं है बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पीले हुए पदार्थों से बना है जो लगातार धरती के अंदरूनी ताप स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। अंतरिक्ष में मौजूद कचरे का एक टुकड़ा हर दिन पृथ्वी पर गिरता है, यह अनुमान नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया है। धरती पर हर रोज 4500 बादल गरजते हैं। धरती पर मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूरी है। धरती पर हर रोज 4500 बादल गरजते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। आज से 4500 करोड़ साल पहले सूर्य मंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था, मगर एक ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ उससे चांद बन गया। सौर मंडल में पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहाँ पानी सॉलिड लिक्विड वेपर रूप में मौजूद है। पृथ्वी का 97% पानी खारा है और फ्रेश पानी मात्र 3% है। 90% विश्व का कचरा समुद्र में पहुंचता है। आज भी दुनिया की 748 मिलियन आबादी को पीने के लिए भी साफ पानी नसीब नहीं है। लगातार इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट में रोज औसतन 200 गैलन पानी का बर्बाद है। लीकेज के चलते रोजाना 36 मिलियन गैलन पानी बर्बाद होता है। दुनिया में 40% मौत पानी, हवा और मिट्टी के प्रदूषण से होती है। सिर्फ एयर पोल्यूशन से हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो रही। दुनिया में रोजाना 1 अरब लोगों को पीने लायक पानी ही नहीं मिल रहा है जबकि 2 अरब लोग साफ पानी को तरस रहे हैं। 2050 तक करीब 9 अरब लोग बिना पानी या कम पानी में गुजार कर रहे होंगे। 2025 तक भारत के करीब 60% भूजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके होंगे। समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से में सोना मिला रहता है। पृथ्वी पर 99% जीवित प्राणी महासागरों में से है। 2000 जलीय जीव की प्रजातियां के बारे में हर साल बताया जाता है। प्रतिवर्ष 10-12 दुर्घटनाओं का कारण शार्क होती है। हर साल 100 मिलियन शार्क मारी जाती है। यदि पृथ्वी का पूरा जल इकट्ठा किया जाए तो ये 860 घन किलोमीटर के आकार की बॉल बनेगी। ये शनि के बर्फीले चांद टेती के आकार से देखोगे। 3.7 बिलियन मील की दूरी से लिया गया पृथ्वी की फोटो का नाम पेल ब्लू डॉट है। अभी तक ये सबसे अधिक दूरी से ली गई धरती की तस्वीर है। $150 बिलियन कुल लागत है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यह सबसे खर्चीला प्रोजेक्ट है। $150 बिलियन कुल लागत है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यह सबसे अधिक खर्चीला प्रोजेक्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा राशि खर्च हुई। मतलब दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जितना खर्च इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया है। दोस्तों 106 बिलियन लोग पृथ्वी पर है। आगामी वर्ष 2050 तक वो 9.2 बिलियन लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी। 2 लाख लोग पृथ्वी पर हर दिन जन्म लेते हैं। हर सेकंड में 2 लोग की मौत हो रही है। इंसान द्वारा सबसे पुराना धार्मिक स्थल गोबेकली टेप तुर्की में स्थित है। इसका निर्माण 10,000 ईयर्स एगो ईसा पूर्व में किया गया था। मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा गहराई तक खोदा जाने वाला गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था जिसकी गहराई 12.262 किलोमीटर थी। 1953 में जब नेशनल हरिकेन सेंटर की शुरुआत हुई तो उसने सबसे पहले तूफान को जो नाम दिया वो श्री संत का नाम था। 1979 में पहला मौका आया जब तूफानों में पुरुष नाम भी शामिल किए गए, जब तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होते हैं। एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। इतनी ही समय पृथ्वी अपनी पूरी
दूरी पर घूमने में लेती है, मतलब एक दिन पूरा करने में ले पृथ्वी को अपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8850 मीटर, मतलब 8850 मीटर है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र से अंतरिक्ष की दूरी देखिए तो सबसे ऊंचा पर्वत इक्वेडोर का माउंट चिम्बोराजा है, उसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी बराबर तारे समा सकते हैं। ग्लास की एक बोतल को पूरी तरह नष्ट करने में 4000 से भी ज्यादा साल लगते हैं। धरती पर हर साल 77 लाख लोगों का बोझ बढ़ जाता है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा। इंसान द्वारा बनाई गई 22,000 वस्तुएं अर्थ प्लैनेट पर चक्कर लगाती हैं। दुनिया में हर साल 5 लाख भूकंप, इनमें से 1 लाख भूकंप सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जबकि 100 विनाशकारी। दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको।